की इस वीडियो में जैसे कि बात करेंगे कि टैक्स प्लस में आप लोग कैसे अकाउंट बनाओगे। दोस्तों जब आप लोग टैक्स प्लस में आप लोग अकाउंट बनाने जा रहे हो तो आपको हमारे अकाउंट नहीं बन पा रहा है, तो चलिए आपके सामने मैं टैक्स प्लस एप्लीकेशन को चालू करता हूँ। जैसे कि देख पा रहे कि मैं एप्लीकेशन को चालू कर रहा हूँ। अब दोस्तों इसमें आपके सामने मैं अकाउंट लाइव प्रूफ बनाकर दिखाऊंगा, तो इसीलिए दोस्तों वीडियो को शुरू से लास्ट तक वॉच करेंगे तभी जाके आपको हमारे भाई अकाउंट बनेगा, जैसे मैं बताऊंगा वैसे आप लोग करते हो। तो इसीलिए मैं दोस्तों आपको लाइव प्रूफ मोबाइल में दिखा रहा हूँ, ठीक है, मोबाइल स्क्रीन रिकॉर्ड चालू करके नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों ऐसे आप लोग बोलते हो कि भाई नहीं हमसे बनता है, आप यहाँ पर बढ़िया से समझाइए। तो आपको हम पर मोबाइल स्क्रीन रिकॉर्ड चालू कर मैं बढ़िया से समझा रहा हूँ, मतलब मोबाइल दिखाकर। तो मैं यहाँ पर देखो चालू कर रखा हूँ, तो बस इस वाला पर मैं क्लिक करूंगा। अब जैसे मैं इस वाला पर क्लिक करूंगा दोस्तों, उसके बाद दोस्तों हमारी फ़ोन में जितनी जीमेल आईडी रहेगा वो पूरी जीमेल आईडी आएगा। आप यहाँ पर थोड़ा देर वेट करिए, जैसे कि अभी सर्च ले रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे कि मैं डायरेक्टली भाई मेरी अकाउंट इसमें बन चुका है। तो कैसे मेरे डायरेक्टली अकाउंट बना दोस्तों, चलिए आपको मैं वो भी बताता हूँ। जैसे कि दोस्तों इस वाला पर मैं क्लिक करूँगा और इस वाला पर मैं क्लिक कर प्रोफाइल पर और अपना मैं जीमेल आईडी यहाँ से देखूंगा कि कौन सी जीमेल आईडी से भाई अकाउंट बन रखा है। तो आप देखो इस जीमेल से अकाउंट बन रखा है, तो इस जीमेल को दोस्तों मुझे फ़ोन से इस जीमेल को हटाने पड़ेगा तभी जाके मैं न्यू अकाउंट बना सकता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आपको मैं फ़ोन से जीमेल को डिलीट करने के लिए इस वाला पर क्लिक कर दो, सेटिंग वाला पर। अब सेटिंग वाला पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारे यहाँ पर अकाउंट आ रहा है, तो अकाउंट वाला पर मैं क्लिक करूंगा। अब जैसे अकाउंट वाला पर क्लिक करने के बाद दोस्तों जो भी आपकी जीमेल आईडी था उस जीमेल आईडी को दोस्तों यहाँ से आपको हम पर डिलीट करने पड़ेगा। चलो मैं यहाँ पर उस जीमेल को डिलीट कर देता हूँ, ये जीमेल आईडी रहा, तो इस वाला पर मैं टिपूंगा और टिपने के बाद दोस्तों यहाँ से डिलीट वाला पर मैं क्लिक कर दूंगा। अब जैसे डिलीट वाला पर क्लिक करूँगा तो दोस्तों ये जीमेल हमारी फ़ोन से डिलीट हो चुका है, आप जैसे कि देख पा रहे। अब दोस्तों आपको हम पर क्या करने पड़ेगा, इस एप्लीकेशन को भगाकर आपको हम पर इस एप्लीकेशन को ऑल प्लेस क्लिक करके रखना और आपको हमारे ऐप इन्फो में चले जाना और इस ऐप का दोस्तों आपको हमारा डाटा यहां से क्लियर कर देना, ठीक है। चलो इस ऐप का मैं डाटा क्लियर कर देता हूं, ओल्ड डाटा क्लियर आपको कर देना। अब जैसे ओल्ड डाटा क्लियर कर दोगे उसके बाद दोस्तों यहां से कट कर देना। अब यहाँ से कट करने के बाद फिर से सारी चीज़ आपको हमारा स्किप कर देना, मतलब भगा देना। भगाने के बाद दोस्तों आपको हमारे फिर से इस एप्लीकेशन को चालू करना है। अब दोस्तों जैसे आप लोग इस एप्लीकेशन को चालू करते हैं, अब दोस्तों आपको यहाँ पर फिर से एक नए जीमेल आईडी देना, आपके यहाँ पर फिर से वो वाला अकाउंट नहीं बनेगा पुराना वाला, अब आपको यहाँ पर नया अकाउंट बनेगा। तो इस वाला पर मैं क्लिक किया। अब दोस्तों आपको यहाँ पर गूगल वाला पर क्लिक करना है, ऊपर वाला पर। अब जैसे दोस्तों गूगल वाला पर आप लोग क्लिक करोगे तो आपकी जितनी फ़ोन में जीमेल आईडी रहेगा वो पूरी जीमेल आईडी आ जाएगा। तब दोस्तों आपको यहाँ पर एक नए जीमेल आईडी यहाँ से देना है। चलो मैं यहाँ पर यहाँ से एक नए जीमेल आईडी देता हूँ। अब नए जीमेल आईडी वाला पर मैं जैसे क्लिक किया उससे दोस्तों हमारी यहाँ पर सर्च ले रहा है। अब थोड़ा देर में वेट करूँगा आप पर जैसे कि देख पा रहे होंगे। अब जैसे मैं थोड़ा देर वेट करूँगा उसके बाद दोस्तों हमारे सामने आगे क्या आता है आप लोग वहाँ पर देखना, ठीक है। बस आपको हमारे वीडियो को ध्यान से आपको हमारे वॉच करना, तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। अब दोस्तों आपको हमारे फ्री वाला पर क्लिक कर देना, और फ्री वाला पर क्लिक करने के बाद नीचे कंटिन्यू वाला पर क्लिक कर देना। अब आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आ चुका है। अब दोस्तों आपको हम पर जीमेल वाला पर आपको हम पर क्लिक कर देना, ठीक है। जीमेल वाला पर क्लिक कर दो। अब जीमेल वाला पर मैं जैसे क्लिक करूंगा तो अब दोस्तों आपको हम पर एक जीमेल आईडी यहाँ से दे देना, जो भी आपने जीमेल आईडी दिए थे वही जीमेल आईडी दोस्तों फिर से आपको हम पर दे देना, ठीक है। चलो उसी जीमेल आईडी को मैं दे देता हूँ। अब देने के बाद दोस्तों आपको हम पर इस वाला पर क्लिक कर देना। अब जैसे क्लिक करोगे तो दोस्तों आपकी जीमेल आईडी पर कोड जाएगा, तो वो कोड दोस्तों आपको यहाँ पर लाकर डाल देना। चलो मैं अपना जीमेल आईडी को चालू कर वो कोड को देख लेता हूँ। जैसे कि देख पा रहा होंगे दोस्तों हमारी ये कोड रहा, तो इस कोड को दोस्तों चलिए डालते हैं वहाँ पर जाकर। अब जैसे कि दोस्तों यहाँ से कोड डालेंगे उसके बाद दोस्तों हमारे कोड ले लिया। अब दोस्तों यहाँ से ओके वाला पर बस क्लिक कर देना। अब जैसे ओके वाला पर क्लिक करेंगे तो अब आपको वहाँ पर यहाँ से कंट्री बढ़िया से चुनना है। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी कंट्री मिल जाएगा, तो बारी बारी से आप लोग कंट्री देख लेना। जैसे मैं इस कंट्री को चेक करता हूँ। अब जैसे कि यहाँ पर लंबर वाला में जाएंगे तो एक लंबर मिल रहा है, तो इस लंबर को नहीं लूँगा, मतलब ढेर सारे लंबर मिलेगा वही कंट्री को मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। चलो इसमें ढेर सारे लंबर मिल रहा है तो आप यहाँ पर जैसे कि देख पा रहे होंगे, तो अब यहाँ से कोई भी लंबर आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। जैसे कि इस लंबर को मैं सिलेक्ट करता हूँ, अब यहाँ से ओके वाला पर क्लिक कर फिर से इस वाला पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब जैसे कि दोस्तों इस वाला पर मैं क्लिक करूँगा उसके बाद दोस्तों हमारे यहाँ पर देखो कुछ तरह से मैसेज आ रहा है। तो अब दोस्तों फिर से यहाँ पर लंबर यहाँ पर मैं चेंज करता हूँ, देखता हूँ कि ये लंबर साइज ले ले, एक लंबर तो नहीं लिया।
ठीक है, कंट्री मतलब आपको हम पर बारी बारी से चेंज कर कर देखना है। ठीक है दोस्तों, चलो मैं पर कंट्री बारी बारी से चेंज कर कर देख लेता हूँ। दोस्तों काफ़ी हमने ट्राई कर लिया, काफ़ी कंट्री दे दिया, काफ़ी नंबर दे दिया, बाकी दोस्तों यही दिक्कत आ रहा है। इस दिक्कत से दोस्तों आप लोग का यहाँ पर मतलब कोई भी सोल्यूशन नहीं है, इसी दिक्कत को आपको हम पर झेलने पड़ेगा। मतलब मुझे कहने का है दोस्तों कि अभी के टाइम में भाई आप लोग इसमें अकाउंट नहीं बना पाओगे, आपको हम पर बार बार यही दिक्कत देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों आप यहाँ पर जैसे कि देख पा रहे होंगे, मैं पर कोई भी अभी कंट्री में सेलेक्ट करता हूं तो मुझे वही सामने दिक्कत आता है। ठीक है, तो कोई भी मतलब उपाय नहीं है, अब आपको हम पर इसमें आपको हम पर अकाउंट अभी के टाइम में नहीं बनेगा। दोस्तों मैं ऐसी एप्लीकेशन पर काम कर रहा हूं ना, कुछ एप्लीकेशन में तुतम से आपको हम पर अकाउंट बन जाएगा और तुतम से नंबर मिलेगा और व्हाट्सएप का अकाउंट भी बना सकते हो तुतम से। तो उस वीडियो को देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब करके रख ले, क्योंकि बहुत जल्द मैं उस वीडियो को बनाने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही।